दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका टीचिंग अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों आज हम मैथ्स के कुछ बेसिक टिप्स जानेंगे। कुछ बेसिक ऐसे चीज़ें हैं जिसे हमें जानना ही चाहिए, अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो हमको मैथ्स अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो आज हम जो डाउट क्लियर करने वाले हैं वो है नेचुरल नंबर और होल नंबर। ये बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है मैथ्स का, इसके बारे में आज हम डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर यानी संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होते हैं? तो सिंपल, जो हम नंबर 1, 2, 3, 4 और यहाँ से लेकर पूरा अनंत तक जो भी संख्याएं हैं, 1 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? इसको जानने से पहले हम ये जान लें कि यहाँ पर अगर हम नंबर 3 की बात करें, संख्या जो 3 है ये कैसे बना, तो निश्चित तौर पर इसमें अगर हम 1 माइनस करते हैं, 3 में 1 माइनस करते हैं, 1 घटाते हैं, तो 3 का जो पूर्ववर्ती संख्या होगा, पूर्ववर्ती या प्रीसीडर बोलते हैं इसको, पूर्ववर्ती संख्या ये होगा 2। अब अगर हम 3 में 1 प्लस कर देते हैं तो ये हो जाता है अपवर्ती संख्या। अपवर्ती संख्या, तो 3 में 1 प्लस कर दिए तो ये हो गया 4, ये हो गया अपवर्ती संख्या। अब इसी तरह से अगर मैं बोलूं क्या 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हम इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे, 1 ऋण 1 बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब यहां पर हमारे पास प्राकृत संख्या है 1, 2 से लेकर यहां पर पूरा अनंत, अनंत तक पूरी संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब 1 का पूर्ववर्ती संख्या हम निकाल रहे हैं तो वो आता है 0। अब हम 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पूरे अनंत तक जो भी संख्या है, अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 0 को, तो ये पूरा ग्रुप पूर्ण संख्या कहलाता है, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। यही है होल नंबर। कहने का मतलब 0 से लेकर इधर पूरे धनात्मक जितने भी संख्या हैं, 1, 2, 3, 4 से लेकर पूरे अनंत जितने भी संख्या, लेकिन हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा 0 को भी, तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। इसी को हम होल नंबर कहते हैं। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा नेचुरल नंबर और होल नंबर। हम इसको नंबर लाइन में कैसे इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और इसकी अवधारणा को समझ सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, इसे आपको कमेंट करके बताना है। हम देखते हैं द नंबर लाइन। संख्या रेखा, अब संख्या रेखा मान लीजिए हमने ये संख्या रेखा लिया, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शून्य के दाईं ओर ये हमेशा धनात्मक अंक होते हैं और इधर 0 के बाईं ओर ऋणात्मक। अब होल नंबर मतलब क्या है? 0 से लेकर इधर जितने भी धनात्मक संख्या हैं वो पूरा होल नंबर है।
पूर्ण संख्या, बीच में यहां से यहां तक जो गैप है ये कहलाता है वन यूनिट। तो ये हो गया टू यूनिट, थ्री यूनिट, फोर यूनिट, फाइव यूनिट, सिक्स यूनिट, यानी जीरो से लेके सिक्स तक पूरे सिक्स यूनिट है। अब अगर हम बोलते हैं कि इसमें से तीन और पांच के बीच कितना यूनिट है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक यूनिट और फिर ये दो यूनिट। तो हम कह सकते हैं तीन और पांच के बीच दो यूनिट है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये क्या है, छोटी पूर्ण संख्या है, किसके, पांच के। पांच भी पूर्ण संख्या है और तीन भी, लेकिन तीन जो है ये छोटी पूर्ण संख्या है और पांच बड़ी पूर्ण संख्या है। इसी तरह से अगर हम एक से लेकर चार तक देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, एक छोटी पूर्ण संख्या है और पांच उससे बड़ी पूर्ण संख्या है। अब हमने ये देख लिया है पूर्ण संख्या क्या है, अब इसके बाद हमको देखना है कि इनको हम ऐड कैसे करते हैं, एडिशन, इनको अगर हम नंबर लाइन में या संख्या रेखा में लेते हैं तो हम उसको ऐड कैसे करते हैं, हम उसको जोड़ेंगे कैसे। हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब हमको अगर ऐड करना है किसके साथ, मान लीजिए थ्री प्लस फोर इक्वल टू कितना होता है, देखते हैं थ्री यहाँ है, थ्री से हमको एक एक यूनिट लेना है, कितना यूनिट लेना है, फोर यूनिट। तो ये थ्री, ये वन यूनिट हो गया, वन टू थ्री और ये फोर, यानी कि ये एक यूनिट हो गया, फिर फोर से फाइव तक एक यूनिट, उसके बाद फाइव से सिक्स एक यूनिट और सिक्स से सेवन एक यूनिट। तो आंसर हमारा क्या आया, सेवन, यानी कि हम इसमें फोर यूनिट प्लस करते हैं तो आंसर हमारा आता है सेवन। इस तरह से हम संख्या रेखा में पूर्ण संख्याओं का योग कर सकते हैं। आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर, यहाँ पर मान लीजिए हमको यहाँ पर घटाना है 5 माइनस 3, तो यहाँ पर भी हम एक एक यूनिट माइनस करते जाएंगे, यानी कि 3 यूनिट हम माइनस करेंगे। यहाँ पे 5 है तो यहाँ से 4 तक एक यूनिट हुआ, फिर 4 से हम 3 में आएंगे, ये सेकेंड यूनिट हुआ, दूसरा यूनिट और फिर तीसरा यूनिट आपका देखिए कहाँ पर आ रहा है, 2 पर। तो यानी कि 5 में अगर 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर संख्या रेखा में आप स्पष्ट हम इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन यहाँ पर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करना है, मान लीजिए हमको करना है 3 इंटू 3, तो हम यहाँ 0 से 3 तक जाएंगे, यहाँ पर 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो अपन 3 से शुरू करेंगे, 3 से हमको 3 यूनिट जाना है, 1 2 3, तो यहाँ देखिए 3 से ये 3 यूनिट हमने गए तो यहाँ पर आया 6। इसके बाद फिर हमको 3 यूनिट जाना है, 1 2 3, इस तरह से ये आंसर आता है 9, 3 3 जब 9 और 3 इंटू 3 इक्वल टू 9।
इस तरह से हम संख्या रेखा में जोड़ घटाव गुणा आदि कर सकते हैं। गणित की जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह से हम अगले वीडियो में भी मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के कुछ डाउट क्लियर करेंगे। अभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले डाउट क्लियर वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। आप सभी